हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर दरबेश आप सभी का स्वागत करता हूं और आज स्पेशली आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारी विजन है और जिस मिशन में हम लोग लगे हुए हैं कि पूरे भारतवर्ष में हर शहर में कम से कम एक एक एक्यूप्रेशर का क्लिनिक हो, जिसमें ऑथेंटिक बंदे प्रैक्टिस करें और अच्छी सर्विसेज लोगों को दें, इसी के आधार पे हमने अपना 8th ग्लोबल प्रोग्राम जो है नहीं। वो वर्कशॉप नवंबर महीना में 2018 कंप्लीट किए और खुशी की बात है 14 स्टेट से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किए और लगभग 48 लोग जिनको हम सर्टिफाइड किए। और उम्मीद करता हूं जो एक साल के बाद होना चाहिए था प्रोग्राम, आप लोगों का इतना ज्यादा डिमांड और भरोसा, ये दोनों के कारण फरवरी महीना 22 तारीख 23 तारीख एंड 24 तारीख यानी फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 2019 में हम लोग अपना 9th ग्लोबल प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और इस वर्कशॉप में हम लोग 100 स्टूडेंट्स लेंगे जिनको प्रोफेशनली ट्रेन किया जाएगा और वही सेम स्ट्रेटेजी थोड़ा उससे और बेटर, बल्कि उसको मैं कहूँगा हम लोग प्रयास करेंगे जहाँ जहाँ जो कमी रहती है उसको और रेक्टिफाई किया जाए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहेगी, पिछली बार 400 स्लाइड से हम लोग पढ़ाए थे, इस बार कोशिश है और 100 स्लाइड हम लोग बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ जो प्रोजेक्टर है उसमें हम लोग 3 डेज का पूरा प्रोग्राम रहेगा, सर्टिफाइड किया जाएगा और पहले से आप लोग इसको दिसंबर 15 तारीख तक 15th ऑफ दिसंबर तक कोशिश करें रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके साथ साथ मेरी लिखी हुई जो किताब है अब वो दिसंबर 10 तारीख में हम लोग पब्लिश करने जा रहे हैं, वो है आपका माई हेल्थ इन माई हैंड, यानी मेरी स्वास्थ्य मेरे हाथ में दोस्त है। और ये वाकई आप लोग जो हजारों के तादाद में मुझे फोन कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो लगभग 110-115 कंट्रीज से, मैं खुश हूं कि आप अपने हाथ से अपना सेहत बनाए हो और रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर वगैरह का इस्तेमाल करके जिस तरीके से आपने अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, मैं इस चीज को और आगे बढ़ाना चाहता हूं। घरे घर एक्यूप्रेशर पहुंचनी चाहिए और हम दवाई से दूर रहनी चाहिए, हॉस्पिटल से दूर रहनी चाहिए और जो सपना है वो है फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल, यानी हमको हॉस्पिटल से मुक्ति मिले, दवाई खाने से मुक्ति मिले। इसको साकार करने के लिए तेजी से आप लोग रजिस्ट्रेशन करो और आगे बढ़ के इस पढ़ाई को प्रोफेशनली, लॉजिकली, साइंटिफिकली, मेडिकली अचीव करो और सर्टिफाइड होके अपने अपने जगह पे एक काम को शुरू करो, लोगों तक अपनी सर्विस पहुंचाओ, आपका भी आबादी हो, आप भी आबाद हो और सोसाइटी का भला हो। इसी बात के साथ रहता हूं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दरबेश, आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों, आज मैं ऐसा एक टॉपिक लेकर आया हूं जिससे लगभग कई प्रतिशत लोग परेशान हैं और इसका सलूशन ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, इसका नाम है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया होता क्या है? स्लीप एपनिया एक सामान्य शारीरिक विकार है जो सोते समय सांस रुकने और बार बार करवट बदलने जैसे समस्याएं उत्पन्न कर देता है। आमतौर पर स्लीप एपनिया तब होता है जब सोते समय किसी व्यक्ति के सांस रुकने लगता है और वो धड़ से उठ के बैठ जाता है या उसको घबराहट होती है, उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इससे सांस कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट तक भी दोस्तों रुक जाती है, कुछ सेकंड तो चल जाता है मगर मिनट तक अगर रुकने लगता है तो ये बहुत ही घातक साबित होता है। 1 घंटे में 30 या उससे ज़्यादा बार भी स्लीप एपनिया की समस्या होते हुए देखा गया है। दोस्तों, स्लीप एपनिया का सबसे आम प्रकार का प्रतिरोध स्लीप एपनिया जो कहा जाता है वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, जो नींद के दौरान श्वास मार्ग के अवरुद्ध यानी बंद होने के कारण होता है।
इसमें सोने के कुछ देर बाद सामान्य सांसों में खराटे या घुटन जैसे आवाजें आने लगती है। स्लीप एपनिया के पीड़ित लोग आमतौर पर जोर जोर से खराटे मारते हैं, हालांकि हर किसी को खराटे मारने की समस्या नहीं होती है। स्लीप एपनिया की संभावना जिन लोगों में सबसे ज़्यादा होती है उनमें शामिल हैं सामान्य से ज़्यादा वजन होने वाले, पारिवारिक दोष यानी जेनेटिक जो प्रॉब्लम है उसके कारण, छोटे श्वास मार्ग में मतलब जो सिकुड़ जाता है श्वास के मार्ग उसके कारण, महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में स्लीप एपनिया की संभावना दोस्तों सबसे ज़्यादा रहती है। कई बार देखा गया है उन लोगों को जिन्होंने मोटापा उनका ज़्यादा है मगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खान पीन का कोई ढंग नहीं है, रात में अनाप शनाप खाते हैं और जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है उसको मेंटेन नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, ब्लड प्रेशर उनकी हाई रहने लगती है, टोन जिनकी बहुत बढ़ी रहती है और रात में जैसे आपका जंक फूड वगैरह बहुत ज़्यादा दोस्तों लेते हैं, उसके साथ साथ अपनी हिफाजत वो करते नहीं हैं और अपने बारे में सोचते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहने लगते हैं, ऐसे लोगों को स्लीप एपनिया दोस्तों ज़्यादा होने लगता है। देखा गया है स्लीप एपनिया के कारण रात में कई बार नींद खुल सकती है जिसके कारण दिन में नींद या सुस्ती उन्हें महसूस होने लगती है, दिन में काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, थकान लगना और किसी काम में मन ना लगना, ये सब चीज़ें दोस्तों घटित होती है। स्लीप एपनिया से ग्रसित लोगों में कार एक्सीडेंट या अन्य किसी अगर वो कारखाना में या फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं उनसे दुर्घटना की यानी एक्सीडेंट की खतरा हमेशा ज़्यादा होती है। शरीर में जुड़ी अन्य प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को स्लीप एपनिया की समस्या हो तो उसका तुरंत उपचार बहुत जरूरी दोस्तों होता है। कई बार सर्जन बोलते हैं कि स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम छोटे छोटे सर्जरी करके भी कर लेते हैं, जीवन शैली में बदलाव से भी इसकी पॉसिबिलिटीज होती है और माउथ पीस और अन्य अन्य सांस लेने के उपकरण आदि का मदद भी स्लीप एपनिया में किया जाता है। इसमें दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने कैरियर में जितने केस मेरे पास आए हैं स्लीप एपनिया के, मैं उनके ऊपर दो प्रयोग दोस्तों किया हूँ। प्रयोग नंबर वन, चाहे वो मोटा है चाहे वो पतला है, अगर उसे स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है दोस्तों सांस की क्रिया जबरदस्त तरीके से करनी चाहिए, यानी जबरदस्ती सांस अंदर फेफड़े में भरना और दोस्तों बाहर निकालना, प्राणायाम के उसको कहो या स्ट्रिक्टली उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कहो, मगर आपका जितना सांस आप भरोगे बाई फोर्स मॉर्निंग में उतना आपको स्लीप एपनिया दोस्तों कम होगी। ओबियसली अगर मोटापा है उसको तो आपको कम करना ही पड़ेगा जिससे आपका लंग्स का जो कैपेसिटी है वो बढ़े, हार्ट के ऊपर दबाव ना पड़े, और पेट आपका जब बहुत ज़्यादा फुला हुआ रहता है तो सीधा उसका असर आपका लंग्स और हार्ट के ऊपर पड़ता है, सांस की नली के ऊपर दोस्तों पड़ता है। उससे बचने का एक ही रास्ता है कि आप ब्रीदिंग ब्रीदिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग वॉक कैसे भी हो, रात में अगर नींद ठीक से नहीं हुआ है, कई बार देखा गया है कि सांस की क्रिया करते करते इंसान को वोमिटिंग का टेंडेंसी आ जाना, सर में चक्राहट होना, थकान होना, ये सब भी शुरू होता है। इसलिए स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस से चलना है, पहले पहले 20-30 बार करो, थोड़ा से गैप दे दो, थोड़ा से रेस्ट ले लो, फिर 20-30 बार करो, फिर से ब्रेक ले लो, फिर 20-30 बार करो, फिर ब्रेक ले लो, ऐसे करते करते आप देखोगे आपकी कैपेसिटी बढ़ते जा रही है और आप ज़्यादा सांस की क्रिया कर पा रहे हो। अब दोस्तों आपको और एक दो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। पहले जमाने में जितने लोगों को स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती थी, ये आज के दिन में कई प्रतिशत दोस्तों बढ़ चुका है। कारण क्या है, हमारी जो मॉडर्न हम लोग अपने आप को दिखा रहे हैं या मॉडर्न बन रहे हैं या हम ज़्यादा मेटलिस्टिक लाइफ में इन्वॉल्व हैं जिसके कारण हमारा तनाव लेवल दोस्तों बहुत बढ़ गया है। इसलिए लगभग एक हिसाब के मुताबिक अध्ययन किया गया था, भारत के पुरुषों में OSA 4.4% से ज़्यादा होकर 19.7% लगभग पहुंच चुका है।
इसका मतलब ये है हमारे जो जीवन शैली का जो परिवर्तन हमारे होने लगा है उसका सीधा असर हमारे लंग्स और हार्ट पे दोस्तों पड़ रहा है। तो करना क्या चाहिए, दूसरा जो टिप्स है वो है कि आप रात को सोने के 4 घंटे पहले खाना कंप्लीट कर ले, यानी डिनर जो आपका है वो 4 आवर्स पहले यानी 6 o'clock में आपको लेनी है। ये टाइम टेस्टेड है दोस्तों, मेरे मरीजों के ऊपर मैंने इसको अप्लाई किया हूँ, और स्लीप एपनिया के जो पेशेंट हो आप इसको एक बार ही अप्लाई करो, अप्लाई करके देखोगे कि आपको जबरदस्त फायदा हो रहा है दोस्त। 4 घंटा पहले यानी जैसे 10 बजे आप सोते हो, 6 बजे ही आपको खाना कंप्लीट करनी है। जैसे आप एक फुल्का खाना है तो एक फुल्का आप 6 बजे ही खाओ, अगर आपको थोड़ा सा खिचड़ी खानी है हल्का फुल्का वो तो आप 6 बजे ही खाओ, अगर आपको फ्रूट और कुछ और उसके साथ जैसे बिस्किट वगैरह जो आटे से बना हुआ है उसको लेना है वो 6 बजे ही आप लो, कोई भी चीजें आपको खानी है वो आप 6 बजे के आसपास 6-6:30 के बीच में आपकी खत्म हो जानी चाहिए। कई लोग बोलेंगे हम तो ऑफिस से आते आते 7:30 हो जाता है दोस्त, तो आप डू वन थिंग, आप जब ऑफिस से पहुंचते हो तुरंत पहुंचते ही हाथ पैर साफ करिए, अपना थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, जैसे आपको मैं पहले भी बताया हूँ लंग्स का पॉइंट दबाते हुए आपको सांस लेनी है और बाहर निकालनी है। ये मैं लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बोला हूँ, मैं आस्थेमेटिक लोगों के लिए बात भी सलाह दिया हूँ, मैं ये ब्रंकाइटिस वालों के लिए भी सलाह दिया हूँ, मैं ये स्लीप एपनिया वालों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको इस चीज पे ध्यान देनी है कि कैसे भी हो 3-4 घंटा पहले ही आपकी डिनर कंप्लीट हो जाए दोस्तों, उसके बाद घूमो फिरो सारा काम खत्म करो, देन आफ्टर आप सोने के लिए जाओ। तो क्या हुआ, इससे क्या फायदा हो रहा है कि आपके पेट में जो दबाव बना, स्टमक में जो दबाव बना खाने का, और इमीडिएटली खाना खा के सोने चले गए तो आपका सांस ज्यादा अवरुद्ध होने की चांसेस है, बल्कि ये 100% बढ़ जाती है खतरा दोस्तों। तो इसलिए आप डिनर को अगर आपने रेगुलेट कर लिए 6 बजे 6:30 बजे, ज्यादा से ज्यादा 7 बजे तक आपने कंप्लीट कर लिए, तो दोस्तों आप देखोगे कि आप 50% कंट्रोल कर पा रहे हो। नंबर 2, रात को सोते हुए आप अपने लंग्स पॉइंट को कम से कम 10 बार दबाओ फिर छोड़ दो, फिर 10 बार दबाओ फिर छोड़ दो, फिर 10 बार दबाओ फिर छोड़ दो, ऐसे 30 बार कम से कम लंग्स पॉइंट को आप दोस्तों दबाइए। और क्या करनी है कि आपका जो थायराइड पॉइंट है, थायराइड पॉइंट को भी आपको 5-5 बार ऐसे 5-7 बार दोस्तों दबानी है। ये दोनों काम आप करने के बाद एड्रेनल ग्लैंड का जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 28, एड्रेनल ग्लैंड को भी आपको बार बार दबानी है फिर छोड़ देनी है, दबानी है और फिर छोड़ देनी है। इस तरीके से हल्का हल्का मसाज करने जैसे जो प्रेशर है ये अगर आप देते जाओगे तो यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट दोस्तों। और जैसे इंसोमिनिया वीडियो में मैंने बताया हूँ कि दोनों हाथ की मुट्ठी को आप बंद करके एक दूसरे के साथ उसको टाइट करके रखो और धीरे धीरे सो जाने को दोस्तों कोशिश करो, यानी इंसोमिनिया के वीडियो को भी आप फॉलो करिए। तो क्या दिया मैंने आपको, 2 टिप्स, मेजर टिप्स आपको दिया। 1, डिनर मस्ट बी कंप्लीटेड बिटवीन 6-7 PM, एंड रात में कभी भी आप उठते हो उस समय आपको लंग्स पॉइंट दबानी दबानी है, थ्रोट पॉइंट दबानी दबानी है दोस्तों। आई एम रिपीटिंग, थ्रोट पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर आपका लंग्स पॉइंट, पॉइंट नंबर 30, ये दोनों आपको दोस्तों दबानी दबानी। अगर आप इतना ही मेंटेन कर लिए, फर्ज करो मेरा 4 बार आंख खुल रही है, 4 बार आप इसका इस्तेमाल करिए, 5 बार नींद खुल रही है तो 5 बार इसका इस्तेमाल करिए, थ्रोट पॉइंट पॉइंट नंबर 6, लंग्स पॉइंट पॉइंट नंबर 30, उसके साथ साथ हार्ट पॉइंट का आपको इस्तेमाल करनी है दोस्तों। अगर हार्ट, लंग्स और थ्रोट ये तीनों पॉइंट को आपने जितने बार आपका नींद खुलती है अगर दबा देते हो तो आपका ब्लड प्रेशर शूट अप नहीं होगा, हार्ट के ऊपर दबाव नहीं आएगी और आपको बेचैनी नहीं होगी, आपको घबराहट नहीं होगी और आप स्लीप एपनिया के ऊपर आप कारगर ढंग से काम कर पाओगे। रिपीट करता हूँ पॉइंट, बाकी मेरा जो किताब वगैरह आप लोग जब फॉलो करोगे लोगे उसमें सारी पॉइंट पिक्चर वगैरह मैंने उस पर डिस्क्राइब किया हूँ, डीवीडी जिनको चाहिए डीवीडी लेना उसमें भी सारी चीज़ें डिस्क्राइब किया गया है, बट आपको एक वर्बली आइडिया दे रहा हूँ कि आपको
आपको थ्रोट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 30 लंग्स पॉइंट और पॉइंट नंबर 36 यानी आपका हार्ट पॉइंट, ये तीनों पॉइंट जितने बार आपकी आंखें खुलती है रात में उतने बार आपको दबानी दबानी, 10-10 बार, 15-15 बार, 20-20 बार दबा दोगे, फिर उसके बाद वॉशरूम वगैरह गए, फिर सो गए। देखोगे एक रात में अगर 5-6 बार आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो रही थी, वो हो सकता आधा हो जाए, हो सकता बिल्कुल भी आपको समाप्त हो जाए। दोस्त मॉर्निंग में जब आप उठोगे आपको उतना थकान नहीं होगी। मॉर्निंग में उठे पानी सफिशेंट पिए, नॉर्मल वाटर, और जिनको सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा वगैरह है, वो गुनगुना पानी जैसे मैंने बताया हूँ, काली मिर्च, शहद, अदरक वगैरह का जो प्रयोग करने के लिए, उसको भी आपको दोस्तों प्रयोग करनी है। इसके लिए आप अस्थमा वीडियो को फॉलो करिए, काली मिर्च के वीडियो को फॉलो करिए, और मॉर्निंग में सांस की क्रिया जरूर करें, प्रेशर डाल के हाथ की मुट्ठी बंद करके सांस अंदर लेना और फिर बाहर छोड़ना। ये इसका भी वीडियो मैंने डाल रखा हूँ, एक्यूप्रेशर के सारा पॉइंट कैसे एक्टिवेट होता है हाथ की मुट्ठी बंद करके खोलने से, प्लस आप सांस को भी बाई फोर्स अंदर भरे और बाहर निकाले। दोस्तों दिन भर में एक टारगेट शेड्यूल फिक्स करो कि मैं पूरा दिन भर में 200 बार हाथ मुट्ठी बंद करके सांस लंबा गहरी सांसें लूंगा, 2-3 सेकेंड रोकूंगा और बाहर निकालूंगा। डायरी मेंटेन करो दोस्तों, डायरी आप मेंटेन करोगे तो आप पाओगे कि जो आपका सांस लेने की क्षमता है वो बढ़ रही है, सांस की नलिकाएं आपकी खुल रही है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने के कारण आपकी हार्ट की कैपेसिटी बढ़ रही है, ये दोनों की कैपेसिटी बढ़ने के कारण आपको अच्छी सेहत मिल रही है और स्लीप एपनिया जड़ से खत्म हो रही है विदाउट सर्जरी। दोस्तों कई सौ मरीज की, दोस्तों कई सौ मरीज, अनगिनत मैंने गिनती नहीं किया होगा जिनको ये करते हुए फायदा हुआ है, जो मेरे से इलाज लिए हैं या फिर घर में बैठ के भी किए हैं, उनको इसके जबरदस्त दोस्तों फायदा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं जड़ी बूटियों का प्रयोग, होम रेमेडीज आपको और बताऊंगा, जिससे आप स्लीप एपनिया को और बेहतर ढंग से कंट्रोल कर पाओगे, अपने ओबेसिटी को मेंटेन कर पाओगे और दिन भर आपको चिड़चिड़ाहटपन भी खत्म होगी, कामकाज आप बेटर कर पाओगे और आपके अंदर वो क्रिएटिविटी आएगी। अदरवाइज आपको एक कटअप होते जाओगे, आप डिप्रेसिव होते जाओगे। डिप्रेशन से आपको बचना अगर है तो आपको स्लीप एपनिया को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। रात में सुख निद्रा आप लीजिए दोस्तों, योग निद्रा, सुख निद्रा, यानी आपके इंटरनल माइंड तभी दोस्तों जगेगा तब जब आपका आउटर माइंड सोएगा। आउटर माइंड सोएगा नहीं इस अबनॉर्मलिटी के कारण, तो इंटरनल माइंड जग ही नहीं पाएगा, और इंटरनल पॉइंट अगर आपका एक्टिवेट नहीं होगा तो आपके बॉडी में रिपेयरिंग नहीं हो पाएगा, आपके माइंड में रिपेयरिंग नहीं हो पाएगा दोस्तों, जिससे कि आप और कमजोर होते जाओगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है और आपके लिए सलाह है कि दोस्तों आप रेगुलरिटी मेंटेन करिए, महीना महीना करते जाओ और आप देखोगे इसका रिजल्ट आना तय है। और जिसको भी रिजल्ट आता है कमेंट बॉक्स में आके डालिए, व्हाट्सअप करिए, और लोगों के जानने के लिए भी सीधे कमेंट बॉक्स में दो दो शब्द का इस्तेमाल करें। मेरे से ये उम्मीद ना करें मैं कि आपको जवाब दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, बट आप अपनी कमेंट जरूर उसमें रखें जिससे कि वो पॉजिटिव कमेंट लोगों का हौसला बढ़ाए। इसी बात के साथ दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपका हम सफ़र, आपका दोस्त, आपका गाइड डॉक्टर दरबेश। हर जगह आप मुझे महसूस कर सकते हो, जहां आपका मन नहीं लगता सिस्टमेटिक होने के लिए आप मुझे याद करो कि डॉक्टर दरबेश मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे साथ हैं, मुझे सलाह दे रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे उनकी बात माननी है। बिल्कुल मुझे अपना आनाकानी का तो सवाल ही नहीं पैदा, जहां आनाकानी करने को आपका माइंड बोलता है वहीं पर आप मुझे याद करें, आप जरूर मुझे वहां पर पाओगे। दोस्तों मेरी दिल की बातें मैं हमेशा कहता हूं, मेरे देश से बड़ा कोई नहीं है, मेरी माँ से बड़ी कोई नहीं है, मैं इस मिट्टी को चूमना जरूरी है, इस मिट्टी का आदर करना दोस्तों जरूरी है, इसे प्यार करना दोस्तों जरूरी है, इसको सम्मान करना दोस्तों जरूरी है, और जय हिंद जय भारत इसी उद्घोष के साथ मैं आज इसी एपिसोड को यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर एक अच्छी और नई एपिसोड के साथ, अच्छी जानकारी के साथ, जो मेरी इतनी साल की एक्सपीरियंस हुई वो आपसे मैं फिर से शेयर करूँगा। एक पौधा दोस्तों जरूर लगाना जिससे हमें ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन मिलेगा तो स्लीप एपनिया भी दूर होगा। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।